तो क्योंकि डेडपूल एंड वोल्वरीन आने वाली है, मैंने सोचा आप लोगों को होमवर्क करा दूं, क्योंकि खुद तो करोगे नहीं। माय पॉइंट इज, वोल्वरीन एंड डेडपूल देखने से पहले आपको मार्वल की, फॉक्स की, एक्समैन की कौन कौन सी मूवीज कब देखनी है, कैसे देखनी है, क्यों देखनी है, वो सब इस वीडियो में पता चलेगा। और अगर नहीं भी देखनी है तो भी ये वीडियो देखो। तो सबसे पहले डेडपूल एंड वोल्वरीन 26 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपेक्ट मत करना, थिएटर में ही लगेगी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में। हालांकि इसकी भोजपुरी वाली डबिंग भी घूम रही है, अगर उसमें लगा देते हैं तो 3 बार अलग से जाके देखूंगा। लेकिन लेट अस एड्रेस द एक्समैन मूवीज इन दिस रूम, क्योंकि बहुत सारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इसको देखने से पहले होमवर्क क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन कौन सी मूवीज देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सबसे ऑब्वियस से शुरू कर देते हैं, लोकी के दोनों सीजन, डेडपूल की दोनों मूवीज, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उसका अगला पार्ट है। उसके बाद आपको लोगन की सारी मूवीज देखनी पड़ेगी, मतलब एक्समैन ओरिजिंस वोल्वरीन, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो कर दिया था। उसके लिए आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, बस वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद वो जो जापानी वोल्वरीन आई थी वो, और लेजेंडरी लोगन। इसके बाद आती है सारी की सारी एक्समैन मूवीज। तो एक्समैन 1, 2, 3, ये तीनों मूवीज अगर आप देखोगे तो आपके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग ट्रेलर में भी देख चुके हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं म्यूटेंट्स को लेकर, उन पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आती है द प्रीक्वल मूवीज, जिसमें हमको ये सारे के सारे एक्समैन अपने यंगर फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। नाउ मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोग इन पिक्चरों के नाम सुनकर ही थक चुके होंगे, और इनको देखने जाना तो बहुत दूर की बात है, किसी और वीडियो पे जाके इनका रीकैप तक देखने की जरूरत नहीं करोगे, तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सब मिलेगा। तो शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से ह्यूज जैकमैन ने अपने जैक धोनी की करी थी, एक्समैन 1 से। शुरुआत होती है रोग नाम की एक लड़की से, जिसके पास पावर्स है किसी को भी छूकर उसकी शक्तियां खींच लेने की, मतलब हर लड़की के पास जो होती है कुल मिला के वही। वो मिलती है एक केज फाइट करने वाले वुल्वरीन से, ये अपने क्लॉज का इस्तेमाल करके बार में फाइट करता है और लोगों को चमकाने का काम भी। लेकिन फिर इसको रोग की मजबूरी नजर आती है, ये उसको गाड़ी में सहारा दे देता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इनकी गाड़ी के ऊपर एक अटैक हो जाता है। ये देखते हैं कि अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि दूसरे सह म्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सेबरटूथ, जो इस मूवी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और हमको डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखने को मिलेगा। तो सेबरटूथ आता है, इन पर अटैक करता है, लोगन इस फाइट में घायल हो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे एक्समैन की, साइक्लॉप्स एंड स्टॉर्म, जो आकर के इन लोगों को बचा लेते हैं। कट टू सीन 2, वुल्वरीन को अब एक अपग्रेड मिल चुका है, क्योंकि वो केज फाइट से पहुंच चुका है सीधे एक स्कूल में, जहां पर बच्चे हैं और एक्सेवियर भी। तो चार्ल्स एक्सेवियर एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बच्चों को सिखाने का काम करते हैं कि उनकी पावर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये सिर्फ दिखने में ऊपर से एक स्कूल है, लेकिन अंदर से एक्समैन ट्रेनिंग म्यूटेंट्स या जो कुछ भी है इनका घर। तो यहां पर हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली में वुल्वरीन सिर्फ जल्दी हील नहीं होता, बल्कि वो एज भी स्लो करता है, इसी वजह से बहुत ही लंबे समय से जिंदा है। और उसकी हड्डियों में से निकलने वाले लोहे के क्लॉज एक्चुअली में एडमेंटियम मेटल के बने हुए है, जो सॉर्ट ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल है इस यूनिवर्स में। नाउ वुल्वरीन उठता है और उसकी छोटी सी दुनिया एकदम से बड़ी हो जाती है, बिकॉज़ ही रियलाइजेस कि वो एक दो पार्टी के वॉर के बीच में फंस चुका है, व्हिच इज प्रोफेसर एक्सेवियर एंड मैग्नीटो। मैग्नीटो एक ऐसा म्यूटेंट है जो अपनी शक्तियों से मेटल को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को भी करना चाहता है, और इस वजह से उसने एक मशीन का निर्माण किया है जिसमें वो अपने आप को फिक्स करता है और फिर उसकी शक्ति का गोला बड़ा करके दूसरों को भी म्यूटेंट बना देता है। हालांकि प्रॉब्लम यह है क्योंकि मैग्नेटो बुढ़ा चुके हैं, तो इसी वजह से उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो मशीन को इनफ टाइम तक पावर अप कर सके, और इसी वजह से उन्हें एक ऐसे म्यूटेंट की जरूरत है जो उनकी शक्ति को खींच के उनकी जगह पर मशीन में बैठे। एंड लकीली इनफ दे हैव अ म्यूटेंट राइट अराउंड द कॉर्नर। तो चार्ल्स एक्सेवियर और मैग्नेटो के बीच में खींचतान चलती रहती है। इस बीच में रोग, वुल्वरीन, सब लोग फंसते हैं, थोड़ी बहुत एक्शन सीक्वेंसेस होती हैं, और आखिर में पूरा का पूरा क्लाइमैक्स प्ले आउट होता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की टॉर्च के अंदर, जहां पर सबसे पहले वुल्वरीन और मिस्टी की एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलती है, जिसमें वुल्वरीन मेनली पिटता है। इस ट्रिलॉजी में वो मेनली पिटा ही है, लेकिन छल और कपट से हराने वाली मिस्टी को वुल्वरीन आखिरकार अपनी नाक की शक्ति का इस्तेमाल करके हरा देता है, बिकॉज वुल्वरीन अपेरेंटली कैन ऑल्सो स्मेल अमेजिंग तरीके से। और इन सब चीजों के बाद जब मैग्नेटो आखिरकार रोग को उस मशीन में डाल के अपनी मशीन को एक्टिवेट करता है, तो बाकी एक्समैन एक सांठगांठ सी बनाते हैं और वुल्वरीन को उड़ाते हैं। काफी आयरोनिक है, आप उस इंसान को उड़ाने की फील्डिंग जमा रहे हो जो सबसे ज्यादा हेवी होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली में लोहा भरा हुआ है। प्लस उसके ऊपर से एक और आयरनी कि वहां पे जो म्यूटेंट है वो खुद भी लोहे को कंट्रोल कर सके, कुछ ज्यादा ही लोहा हो गया इस पूरे सेंटेंस में। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वुल्वरीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, मशीन को तोड़ता है, रोग को बचा लेता है, मैग्नेटो का पूरा प्लान फेल। पार्ट 2, वुल्वरीन अब चार्ल्स एक्सेवियर के इंस्टीट्यूट में छोड़ के जाने के बाद एक बार फिर से लौट के आ चुका है, बिकॉज ही मिसेस पीपल नाउ। लेकिन लाइफ उसके लिए नहीं रुकी, क्योंकि रोग के पास है एक बॉयफ्रेंड बॉबी, जो अपनी फूंक से गर्म बियर को ठंडा करने की शक्ति रखता है, और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से एक रात को प्रोफेसर एक्सेवियर, साइक्लॉप्स, जीन ग्रे और स्टॉर्म जब एक्सेवियर मैंशन के बाहर जाते हैं, तभी उस पर अटैक होता है।
एंड वी फाइंड आउट कि वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वोल्वरीन का ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है विलियम स्ट्राइकर नाम का। अगर आप लोग विलियम स्ट्राइकर के बारे में नहीं जानते तो इस मूवी में जान जाओगे क्योंकि हमको भी नहीं पता था। उधर दूसरी तरफ मैग्नीटो अपने बाहर निकलने की फील्डिंग जमा रहा है क्योंकि मिस्टिक एक गार्ड के पिछवाड़े में मेटल इंजेक्ट कर देती है, बट उसी लोहे का इस्तेमाल करके मैग्नीटो उसके पहले गेंदे बनाता है, उस गार्ड को मारता है, फिर उसी की प्लेटें बनाता है और उस जेल से बाहर निकल जाता है। सो एनीवे विलियम स्ट्राइकर ने एक्सेवियर मैंशन पे अटैक किया। वोल्वरीन एक लौता सेवियर बनने की कोशिश करता है लेकिन उसके सारे घाव भले ही भर जाएं, ये वाला नहीं भर पाया बिकॉज विलियम स्ट्राइकर वाज द वन हु वाज रिस्पांसिबल वोल्वरीन के शरीर में इतना सारा एडमेंटियम भरने के लिए। और हालांकि वोल्वरीन के पास अपनी पुरानी मेमोरीज नहीं है बट ही रिमेंबर्स वेगली कि ये आदमी कुछ कांडू टाइप का था, ओनली टू रियलाइज कि विलियम स्ट्राइकर का एक्चुअल टारगेट इनमें से कोई भी नहीं बल्कि प्रोफेसर साहब थे क्योंकि उसको वो अपने सस्ते सेरिब्रो के लिए इस्तेमाल करना चाहता है बिकॉज जिस तरह से प्रोफेसर साहब अपने सेरिब्रो का इस्तेमाल करके म्यूटेंट्स लोगों को ढूंढते हैं ठीक वैसे ही स्ट्राइकर ने भी एक सेरिब्रो अपने डैम के अंदर बना रखा था ठीक उसी डैम में जहां पर उसने वोल्वरीन को क्रिएट किया था ताकि वो जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनको ढूंढ के खत्म ही कर डाले। नाउ द कैच हियर इज कि वो इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेसर साहब का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने लड़के का इस्तेमाल करवाता है। बट मूवी खत्म होती है उसी डैम में जहां पर वोल्वरीन की फाइट होती है लेडी डेथ स्ट्राइक से, जो अपेरेंटली वोल्वरीन की ही तरह थी, बस उसके फिंगर्स में से एडमेंटियम के क्लॉज निकलते थे और वो एक बार फिर से वोल्वरीन को वन साइडेड फाइट में पेल के रख देती है। जैसे मैंने कहा इस पूरी ट्रिलॉजी में वुल्वरीन बस पिटा है। बट हमको पता चलता है कि इस प्लान में मैग्नीटो को भी मिक्स कर दिया गया है और वो विलियम स्ट्राइकर के प्लान को सिर्फ रोकता नहीं उसे रिवर्स कर देता है क्योंकि स्ट्राइकर साहब जैसे प्रोफेसर एक्सेवियर का इस्तेमाल करके म्यूटेंट्स को खत्म कर रहे थे तो मैग्नीटो उसे और मैनिपुलेट करा के कहता है म्यूटेंट्स को क्यों मारता, इंसानों को मार दो, और प्रोफेसर साहब इंसानों पे अपने बाण चलाना शुरू कर देते हैं। और आपको लगेगा कि मूवी यहां पे खत्म हो चुकी है लेकिन एक्चुअली में नहीं, क्योंकि एक्सेवियर इंस्टीट्यूट का प्लेन पिछले 6 साल से सर्विस पे ही नहीं गया बिकॉज एट द एग्जैक्ट मोमेंट उसको काम करना चाहिए था उसके इंजन्स फेल हो जाते हैं और फिर जीन ग्रे अपने प्लेन से नीचे उतर के जाती है, उसको जंप स्टार्ट करती है और इस पूरे प्रोसेस में वो डैम के पानी में बह जाती है। बट पार्ट 3 में शी टर्न्स आउट टू बी द मेन विलन क्योंकि वो जिंदा है। इन लोगों ने एक्समैन 3 द लास्ट स्टैंड को अपनी फीनिक्स फोर्स मूवी बनाने का फैसला किया जिसमें फीनिक्स फोर्स एलियन नहीं होती बल्कि जीन ग्रे के दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। किसने सोचा था ये आइडिया? खैर एलियन वाली भी कौन सी अच्छी बना ली थी इन लोगों ने। खैर इस मूवी की स्टार्टिंग में हमको पता चलता है कि साइक्लॉप्स जो पिछली 2 मूवीज में भी था, इन केस यू हैवंट नोटिस बिकॉज आप एक्चुअली में नहीं करते हो, सेकंड पार्ट में तो वो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फिर सीधे क्लाइमैक्स में, और थर्ड में तो बेचारे के साथ क्या होता है क्या ही बताया, बता ही देता हूं। तो साइक्लॉप्स जो एक आवारा आशिक की तरह फिर रहा होता है उसको अचानक से जीन की आवाज सुनाई देनी पड़ती है, वो उसी एल्कली लेक की जगह पे पहुंचता है जहां पर सेकंड पार्ट का क्लाइमैक्स टेक प्लेस किया था और उसको पता चलता है वो जीन ग्रे इज स्टिल अलाइव और वो जाकर उससे अपनी मोहब्बत की पापी लेने की कोशिश करता है और तभी जीन ग्रे उसके साथ जो करती है वो हमको दिखाया नहीं जाता, ऑफ स्क्रीन कर दिया जाता है। बेचारे को ऑन स्क्रीन तो टाइम मिला ही नहीं, मौत तो ऑन स्क्रीन करवा देते उसकी कम से कम। लेकिन इस घटना का पता प्रोफेसर एक्सेवियर को चल जाता है क्योंकि अपने साथियों को भेजते उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड दे रियलाइज कि जीन ग्रे अभी भी जिंदा है, बस थोड़ी सी सिडक्टिव हो चुकी है क्योंकि वो होश में आता ही सबसे पहले वोल्वरीन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है पर वोल्वरीन भाई हमारे ठहरे सख्त लौंडे वो उसको साफ मना कर देते हैं, कहते बस मुझे पता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू क्योंकि होश में रहते हुए तो तूने हमेशा मना किया है, और जीन ग्रे बस तबाही के मोड ऑन करके वहां से निकल जाती है एंड वी रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद हर और वो है फीनिक्स फोर्स बिकॉज प्रोफेसर एक्सेवियर जब बचपन में उससे मिलने गए थे तो उसके दिमाग में एक फीनिक्स नाम की एंटिटी थी जो की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, इसी वजह से उन्होंने एक बैरियर बना लिया जिस वजह से उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया और अब वो एल्कली लेक वाले कांड की वजह से वो बैरियर टूट चुका है एंड शी हैज बीन अनलीश्ड एंड व्हेन आई से अनलीश्ड शी इज लिटरली अ मेनेस टू द सोसाइटी। प्रोफेसर एक्सेवियर उसको काम डाउन करने के लिए उसके घर पे जाते हैं लेकिन ये शकुनी के भेष में मैग्नीटो आकर उसको वहीं पे भड़काना शुरू कर देता है एंड द रिजल्टेंट वाज डिजास्ट्रस क्योंकि वो वहीं पर एक्सेवियर साहब की जान निकाल देती है। लेकिन प्लॉट सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें इन्होंने एक और प्लॉट मिक्स करने की कोशिश करी और वो है म्यूटेंट शक्ति का क्योर, मतलब एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके दायरे में जाने की वजह से लोग अपनी म्यूटेंट शक्ति को खो देते हैं और उसी का इस्तेमाल करके एक ऐसा क्योर बनाया गया है जो म्यूटेंट पावर्स को खत्म कर देगा। तो बस ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है मैग्नीटो और बाकी म्यूटेंट्स के लिए। तो मैग्नीटो जीन ग्रे का इस्तेमाल करता है बाकी लोगों को खत्म करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो मैग्नीटो एक ब्रिज को उड़ाता है। जी हाँ, एक ब्रिज को। अभी तक जितनी भी सुपर हीरो मूवीज देखी है ये वाला टॉप 5 में तो स्टैंड करेगा बहुत इजीली। और उसके ऊपर से सर इयन मैककेलन का ये वाला डायलॉग,
चार्ल्स ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड ब्रिजेस। सो एक बड़ा सा क्लाइमैक्स शुरू होता है जहां पर ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स और एक्समैन आपस में फाइट कर रहे हैं एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली गुड अंटिल मैग्नीटो स्टार्ट्स टू कम इन बिटवीन। लेकिन मैग्नीटो को रोकने का तरीका बड़ा इनोवेटिव होता है क्योंकि ये लोग उसको हराते हैं उसकी पावर्स को खींच कर उसको वही दवा इंजेक्ट करके। बट देन एंटर्स जीन ग्रे और फीनिक्स फोर्स और वो फुल ऑन डिस्ट्रक्टिव मोड पे होती है। वो कितने सारे लोगों को जान से मार देती है, कितने सारे म्यूटेंट्स को मार देती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। एंड वोल्वरीन रियलाइजेस आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस, क्योंकि जब तक ह्यूज जैकमैन अपनी मरी हुई माशूका को अपनी बाहों में लेके आसमान में देख के जोर से चिल्लाकर रोए ना, तब तक पिक्चर खत्म कहां होती है। तो बस वोल्वरीन अपने क्लॉज निकालता है, जीन में घुसा देता है एंड द मूवी एंड्स विद अ पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पर हमको ये पता चलता है कि प्रोफेसर एक्सेवियर एक्चुअली डिड नॉट डाई। उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जिस वजह से आगे के पार्ट्स जैसे कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हमें वो एक बार फिर से देखने को मिले, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। क्यों है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन है तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था। फिर इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं वुल्वरीन चले जापान मतलब द वुल्वरीन के ऊपर। ये कहानी टेक प्लेस करती है एक्समैन 3 के बाद और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के पहले बीच में कहीं पर। तो वुल्वरीन अभी भी जीन ग्रे की मौत के सदमे से अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाया, उसको डरावने सपने आते हैं। तो उसने चार्ल्स एक्सेवियर के मैंशन को पूरी तरह से छोड़ दिया है, जो हमको एंड में दिखाया गया था कि वो क्लोजर पाके और उन टीचर्स और बच्चों का सब अपनी जगह पा चुका, सब इट वॉज सांड की टट्टी। वो पहुंच चुका है कैनेडा में, भालू के बीच में रह रहा है। तभी को कोई मार देता है, उसका वहां पे झगड़ा होता है, तभी यूकियो आ जाती है। ये डेडपूल वाली यूकियो नहीं है। वो उसको कहते हैं कि आज से बरसों पहले तुमने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिनकी जान बचाई थी एक कुएं में, उन्होंने तुमको याद किया है जापान में। तो बस वुल्वरीन पहुंच जाते हैं जापान और उनको पता चलता है कि आज से बरसों पहले जिस सोल्जर की उन्होंने जान बचाई थी वो बन चुका है करोड़ोंपति याशीदा नाम का, और कैंसर की वजह से उसकी जान जा रही है। तो वो उसको कहता है कि वुल्वरीन भाई तुमने इतने सालों पहले मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं तुम्हारी जान लेकर। नहीं सच में वो उसको लिटरली ये कहता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा हीलिंग फैक्टर तुम्हारे लिए कर्ज बन चुका है, तो ये मुझे दे दो ताकि मैं हील हो जाऊं और तुम बुढ़ा के मर जाओ। वुल्वरीन उसको कहता है यू डोंट वांट दिस बॉब, ट्रस्ट मी, ये एक कर्ज है जो मेरे साथ ही रहने दो। कुल मिलाकर लोगन भाई भी उसको देना नहीं चाहते थे और वो लेना चाहता था, दोनों को चाहिए था और देना किसी को नहीं। बस फिर हमारे लोगन भाई सोते हैं और रात में उनको सपना आता है कि कोई लेडी जाके उनका चुम्मा ले रही है। जैसे उसकी नींद खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो वाइपर नाम की एक म्यूटेंट है जो कॉमिक बुक्स में एक्चुअली जहरीली होती है। उसको पता चलता है कि याशीदा भाई की एक्चुअली में पड़ चुके हैं। फिर अगले दिन जब उनका फ्यूनरल हो रहा होता है तो वहां पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। वुल्वरीन जैसे तैसे मारिको उसकी बेटी को वहां से बचा के निकालता है एंड इसी प्रोसेस में ही रियलाइजेस कि उसके वुंड अब काफी स्लोली हील कर रहे हैं। और बस इसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत भागने का ही काम करते हैं, कहीं पर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कहीं पर वुल्वरीन बेहोश हो रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वुल्वरीन और मारिको की जैसी थोड़ी बहुत बात बननी शुरू होती है एक रात रंगीन होने के बाद मारिको को उठाकर ले जाते हैं। वुल्वरीन और युकियो मारिको को ट्रेस करते हुए पहुंच जाते हैं शिंगेन तक, लेकिन उनको पता चलता है कि शिंगेन के तो ऑलरेडी काम डल चुके हैं जिनको आके मार दिया है वाइपर ने। अब इस पूरी चीज में एक की मोमेंट हो जाता है कि वुल्वरीन अपने आप को जैसे ही स्कैन करता है ही रियलाइजेस कि एक कुछ अजीब सी चीज उसके हार्ट से अटैच्ड है जो उसके हीलिंग फैक्टर को अफेक्ट कर रही है। तो वुल्वरीन अपने खुद के ऊपर एक सर्जरी परफॉर्म करता है और अपने हीलिंग फैक्टर को सुधार लेता है। और अब जब ये लोग याशीदा स्टेट पहुंचते हैं तो वहां पर कई सारे आर्चर वुल्वरीन को घेर लेते हैं और पॉइजन एरोस से उसको बेहोश कर देते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो ही रियलाइजेस कि याशीदा भाई साहब एक बड़ा सा एडमेंटियम आर्मर बना रहे थे अपने लिए और उसके बाद वो चल बसे। तो वो एडमेंटियम आर्मर जो है वो चलने का काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, ही डज एवरीथिंग। वो अपने ब्लेड को गर्म करता है, वुल्वरीन को मारने लगता है, तब तक मारिको आकर उसकी जान बचा लेती है। और बस वहां पर एक एक्शन सीक्वेंस होती है फिर, लेकिन हमको ये पता चलता है कि याशीदा भाई मरे नहीं थे, उस एडमेंटियम आर्मर के अंदर वही थे, बिकॉज वो वुल्वरीन की उम्र तो खींचना चाहते ही है और अपने आप को जवान बनाना चाहते हैं। और इस काम में वो बहुत हद तक कामयाब हो भी जाते हैं क्योंकि वो वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉज को काट के उसके अंदर ड्रिल करते हैं एंड उससे उसके हीलिंग फैक्टर को अपने अंदर खींचने लगते हैं। लेकिन मारिको आकर वही एक क्लॉ मारती है सीधे खोपड़े में, जान गई। तो वुल्वरीन एक बार फिर से बच जाता है, युकियो उसके साथ प्लेन में बैठ के निकल जाती है। इस मूवी के एंड को सीधे कनेक्ट किया गया है पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, लेकिन वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट पे जो है लोगन, माई फेवरेट।
तो हम लोग देखते हैं एक ओल्ड ब्रोकन डाउन ओल्ड मैन लोगन को, जिसका हीलिंग फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म सा हो चुका है। जब वो क्लॉज निकालने की कोशिश करता है तो एक बार में पूरे बाहर भी नहीं निकलते हैं, और उसका रीजन है उसके खुद के शरीर में डला हुआ एडमेंटियम, वही उसके शरीर को पॉइजन कर रहा है, लेकिन ही कैन डू नथिंग अबाउट इट नाउ। और अचानक एक दिन उसके पास एक महिला आती है जो उससे कहती है कि उसको उसकी मदद की जरूरत है। वुल्वरीन उसको फक करके भगा देता है वहां से, लेकिन तभी लोगन के पास पियर्स नाम का एक आदमी भी आता है जो उससे उसी लेडी की इन्फॉर्मेशन मांगता है। वो उसको कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तो वो उसको एक कार्ड देता है जिसमें एल्कली ट्रांजिजन का पता रहता है कि ये एक इंस्टीट्यूट है जो बुरे काम करेगा इस पिक्चर में। लोगन वहां से निकलता है एंड वी रियलाइज कि वो अकेला नहीं है, उसने कैलिबर नाम के एक म्यूटेंट को अपने साथ रखा हुआ है, और उनके साथ में है प्रोफेसर एक्सेवियर जो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। उनको पड़ते हैं दौरे, और ये नॉर्मल तरह के दौरे नहीं है। जब इनमें से एक दौरा पड़ता है तो उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, उनको खुद भी पैरालिसिस टाइप का कुछ होने लगता है, एंड प्रोबेबली इसी तरह के एक सीजर के टाइम पे उन्होंने जो उनका पूरा इंस्टीट्यूट था उसमें जितने भी एक्समैन थे उनकी जान ले ली। इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा अच्छे से बताया तो नहीं जाता, बट इट इज एज डार्क एज इट साउंड्स, क्योंकि वो उस चीज के लिए मूवी में आगे अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन मूवी वहां से आगे बढ़ती है बिकॉज वी रियलाइज कि वो लेडी लोगन को एक बार फिर से मिलती है, उसको पैसे देती है और कहती है कि उसको बस एक बच्ची को एक फलानी जगह तक पहुंचाना है जिसका नाम है ईडन। लोगन पैसे देखकर थोड़ा सा बहक जाता है क्योंकि उसको ऑफकोर्स वहां से निकलना था प्रोफेसर एक्सेवियर के साथ एक बोट लेकर, और अपने कुछ प्लान थे उसके। और जब वो उस बच्ची को कलेक्ट करने जा ही रहा होता है तो उसको पता चलता है द लेडी इज ऑलरेडी डेड, लेकिन वो बच्ची लोगन की कार में बैठ कर वहां उसके पते पर पहुंच जाती है, जिसको ट्रैक करते हुए पियर्स और उसके आदमी भी पहुंचते हैं, और फिर वहां पर एक एक्शन सीक्वेंस होती है जो काफी ज्यादा ब्रूटल है। आई विल सजेस्ट दैट यू शुड, तुमने लोगन देखी तो होगी ना अभी तक, नहीं देखी तो ये तो देख ही लो कम से कम यार। खैर, तो लोगन, प्रोफेसर एक्सेवियर और वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम लॉरा है, ये तीनों एक लिमोजीन में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं, और तब लोगन को एक फोन में पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये लोग एक फैसिलिटी में थे जिसका नाम था ट्रांजिजन, और वहां पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे, और उसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी लॉरा। लेकिन जब से उन लोगों ने X24 बनाया तब से उनको बच्चों की अब जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो लोग एक अपग्रेड की तरफ पहुंच चुके थे जिसको वो परफेक्टली कंट्रोल कर पाए, उनको सुपर सोल्जर वाला पूरा चाहिए था, एंड इसी वजह से वो लेडी उन सारे बच्चों को वहां से भगा रही थी ताकि उनकी जान बचा सके। नाउ लोगन और लॉरा वहां से बच के भागने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक फार्म पे पहुंचते हैं जहां पहुंचकर एक बार फिर से अटैक हो जाता है, लेकिन इस बार अटैक करने वाला कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो होता है वुल्वरीन खुद, लेकिन इस बार ओल्ड मैन नहीं बल्कि उसका जवान वर्जन। बेसिकली हमको ये पता चलता है कि X24 जो उस लैब में क्रिएट किया गया था वो लोगन का ही एक क्लोन है, और वो आकर प्रोफेसर एक्सेवियर को निपटा देता है। अब इस बात से ऑफ कोर्स वुल्वरीन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उसकी और X24 की फाइट होती है जिसमें X24 उसको बहुत ही बुरी तरह से रगड़ देता है, बिकॉज वो जवान है, लोगन के घाव नहीं भर रहे, लेकिन फिर भी ये लोग उसको गाड़ी से ठोक ठाक के और काफी बुरी तरह से पीट के वहां पर रोक देते हैं। एंड वी रियलाइज कि उसके घाव भी इतनी आसानी से नहीं भरते, उसको एक स्टेम सेल टाइप का कुछ इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद वो हील होता है, लेकिन उससे पहले लोगन और लॉरा जो है वो बाकी सारे बच्चों से मिल जाते हैं, और वो लोग बताते हैं कि वो लोग लिटरली एक ईडन नाम की जगह की तरफ जा रहे हैं, बट वुल्वरीन उनको कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग निकलो। लेकिन जब लोगन उठता है तो वो देखता है ट्रांजिजन वालों के कुछ ड्रोन्स उन्हीं बच्चों की तरफ जा रहे हैं, एंड ही रियलाइजेस दैट ही हैज टू डू समथिंग अबाउट इट, और इस वजह से वो वहां पर रखा हुआ एक ऐसा वायल ग्रीन कलर का अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसको इंजेक्ट करने के लिए उन्होंने मना किया था एक बार में पूरा, लेकिन वो उसको टेंपरेरीली अपनी पुरानी शक्तियां वापस दे देते हैं, और बस फिर हमको वो पुराना लोगन एक बार फिर से देखने को मिलता है जो वहां पर जितने भी लोग थे उनको ब्रूटली खत्म करके रख देता है। लेकिन ग्रेजुअली वो सीरम भी वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है, एंड इसी वजह से लोगन और भी ज्यादा वीक पड़ने लगता है, और तब हमको पता चलता है कि डॉक्टर राइस जो है उसके पिताजी लोगन के अंदर एडमेंटियम डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट एक्स था उसमें शामिल थे, और जब लोगन फट के बाहर निकला तो उसने उसके पिताजी को निपटा दिया, रिवेंज। बट लोगन उसका खोपड़ा उड़ाता है, उसके बाद वो पियर्स को भी मारता है, फिर इसके बाद सारे के सारे बच्चे आकर पियर्स को लपेट देते हैं, लेकिन X23 आता है, वो लोगन को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, एक पेड़ में घुसा देता है, लॉरा आती है गन उठाती है एडमेंटियम बुलेट घुसा करके X24 का सिर उड़ा देती है। सो X24 गया, लोगन को भी एक बहुत ही इमोशनल सेंड ऑफ मिलता है, आई स्टिल एम नॉट रिकवर्ड फ्रॉम इट फुली येट। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन उस चीज को बिल्कुल ठीक करके रख देगी अब। लेकिन इसके अलावा लोकी के दोनों सीजन्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इस चैनल पे हो तो आप लोगों ने वो तो देख ही लिए होंगे, अगर वो नहीं देखे हैं तो फिर मेरे वीडियोज ही जाके देख सकते हो। इसके अलावा डेडपूल 1 और 2 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर वो भी नहीं देखे तो उसका बस एक बेसिक प्लॉट ये है कि डेडपूल 2 में हमको केबल देखने को मिलता है जिसके पास एक टाइम ट्रैवलिंग वॉच होती है जिसका इस्तेमाल करके वो फ्यूचर से पास्ट में आता है, और उसके पूरे इस इनकाउंटर के टाइम पे
पहले वो अपनी वॉच के चार्जेस यूज अप कर लेता है, जिस वजह से वो अपने टाइम में वापस नहीं जा पाता, लेकिन उसके एंड में डेडपूल उस वॉच को फिक्स करा लेता है। तो अब डेडपूल कैन टाइम ट्रैवल, हो सकता है कि यही कारण बने उसके आगे जाकर टीवीए के साथ जो भी शेनानिगन्स हो उनका। बाकी इसके अलावा तो आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज पे रिफ्रेशर मिल ही चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक्समैन प्रीक्वेल्स देखने की जरूरत है, तो आई थिंक यू डोंट हैव टू, बिकॉज वो रेफरेंस किए जा सकते हैं। एंड आई जस्ट होप कि जेम्स मार्सडन के साइक्लॉप्स को एटलीस्ट इस पिक्चर में तो टाइम दे। और अगर आप चाहते हो कि आपको भी आपके क्रश से टाइम मिले, तो वीडियो को लाइक करो फिर।